भरतपुर की दो तहसीलों के 37 गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लगाई गई नाव। लेडी डॉन मंजू सहित 6 बदमाशों की खोली गई हिस्ट्री सीट, 4 लोगों के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त। पीआरडी में डेंगू के 37 मरीजों का हुआ इलाज, गोरखपुर और बस्ती मंडल में लगातार बढ़ रहे मामले। कैंपियरगंज और सहजनवा में बनेगा 200 बेड का अस्पताल, रवि किशन की पहल पर शुरू हुआ सर्वे। पूर्वोदय राइजिंग गोरखपुर में बोले, शिक्षाविद संसाधनों को बढ़ाकर ही पूर्वांचल का एजुकेशन हब बन पाएगा गोरखपुर। गोरखपुर के डीएम के निर्देश पर निरीक्षण में 70 अधिकारी कर्मचारी मिले नदारद, जवाब तलब। गोरखपुर नवागत जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने संभाला कार्यभार, बोले निपटाई जाएंगी जन समस्याएं। गोरखपुर में बड़ा हादसा, इस्लामिया कॉलेज का निर्माणाधीन पोर्टिको का छज्जा गिरा, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। घाघरा का जलस्तर बढ़ने से बिसरा गांव हुआ जलमग्न, ग्रामीणों में बना दहशत। नगर पंचायत गोला के अंतर्गत समाहित गांव बिसरा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी गांव के चारों तरफ फैल जाने के कारण ग्रामवासियों का घर पानी की जद में आ गया है, जिससे लोग दहशत ज्यादा बने हुए हैं। बिसरा गांव के पास लगे बंधे में पानी के दबाव के चलते रेगुलेटर कुछ काम नहीं कर रहा है और उल्टा पानी गांव की ओर बढ़ रहा है, जिससे गांव में मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ा संपर्क मार्ग तरह डूब गया है और घरों में पानी घुसने लगा है, जिससे पूरा गांव टापू के समान दिखाई दे रहा है। इस पानी से गांव में लगाई गई कई एकड़ फसलें डूब गई हैं, वहीं गांव के टोले पर जाने वाले सभी संपर्क मार्ग पानी में डूब गए हैं, जिससे लोगों का घरों से निकलना दुभर हो गया है, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। के बच्चों से चंदा लेकर मनाया जाता है महत्वपूर्ण दिवस। गगहा विकास खंड के एक प्राथमिक विद्यालय में चंदा लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाना चर्चा का विषय है। बताते चले कि शासन द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में ड्रेस, टाई, कॉपी, किताब, मध्याह्न भोजन सहित छात्रवृत्ति देकर शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, ताकि गरीबी के चलते कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न हो। ऐसे में चंदा लगाकर महत्वपूर्ण दिवस मनाना कहां तक सही है, इसको लेकर यह वीडियो वायरल हुआ है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दस दिए हो आज, पैसा दिए हो तुम लोग स्कूल पे? हाँ, हाँ। कितना कितना रुपया दिए हो? दस दस। कौन लिया है, कौन कहा है मांगा है पैसा? नहीं था, हम लोग को स्कूल में पार्टी है। हाँ तो कौन मांगा है पैसा 10-10 रूपए? मैम कही है। कौन मैम कही है? गोरखपुर। क्या नाम है उनका? गोरखपुर जाते प्रिंसिपल, क्या नाम है उनका? पुष्पलता। पुष्पलता मैडम कही है? अच्छा, कितना कितना कहीं पैसा देना है? और हम लोग जितना भी दे दें। जितना भी दे दें? उन्होंने कहा है। तुम कितना रुपया दियो? हम? हाँ, हम लोग यहाँ पर 50 रुपया। तुम 50 रुपया? तुम कितना दियो बाबू? 50 रुपया। तुम कितना दियो? 50? 10। तुम कितना दियो? 20 रुपए। और केक 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 लाने गए हैं लोग? कौन गया केक लाने? आ गया, समोसा हम लोग सब आ गया। अच्छा, कौन कौन गया था लाने केक समोसा? अच्छा, अच्छा, चूना बाबा क्या करने गए थे? भाजपाइयों ने सेवा पखवाड़े के तहत चलाया स्वच्छता अभियान मालनपार गोरखपुर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत मंडल मालनपार में कार्यक्रम किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कंवलवास सिंह के अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चला। कार्यक्रम में मालनपार मंडल के अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री भागवत सिंह, क्षेत्रीय मंत्री अनुसूचित मोर्चा संतराज पासवान, मंडल महामंत्री अश्वनी सिंह, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार दुबे, अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष मोहन बेलदार, कार्यक्रम के संयोजक मंडल महामंत्री बालकृष्ण त्रिपाठी, मंडल मंत्री जयप्रकाश श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित अभियुक्त ग्राम साउखोर से गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराध के रोकथाम एवं अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के निर्देशन में थाना बड़हलगंज में पंजीकृत संबंधित अभियुक्त उमेश यादव पुत्र शिवधनी यादव निवासी साउखोर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई
की जा रही है। लंबे समय के बाद ग्राम पंचायत भुसोल में कोटे का चयन। बांसगांव विकास खंड के सबसे बड़े गांव भुसोल में कोटेदार का चुनाव संपन्न हुआ। इस मौके पर एडीओ पंचायत सहित ब्लॉक कर्मी मौके पर पहुंचे, जिसमें 74 मत पाकर ब्रह्मानंद विजयी हुए। बताते चले थी, आज सुबह कोटे का चयन के लिए गांव में बैठक बुलाई गई थी, ऐसे में भारी भीड़ देखी गई। सम्मानित सदस्यों से जानना चाहता हूँ, क्या हमारे बीच में दो प्रत्याशी हैं, राजकिशोर सिंह ब्रह्मानंद, क्या आप लोग चाहते हैं चुनाव आज हो जाए? हाथ उठा के कहिए, सभी लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, हाथ उठाएं, फोटो खींचे। बारिश ने खोला विभाग का पोल। बांसगांव तहसील मुख्यालय के अंतर्गत उनवल कस्बे का हाल है, जहां पे जल जमाव से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने नगर पंचायत के रोडों का पोल खोल दिया है। हर जगह पे कचरा व जल जमाव की स्थिति से लोग परेशान हैं। बताते चले थी, शासन द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से रोडों को बनाया गया है, परंतु जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से असुविधा होती है। ये जो उनवल टेकवार चौराहे से लेकर के गोरखपुर वाली जो रोड जा रही है, जो पानी भरा हुआ, इस पर क्या कहना है आपका? मुख्य मार्ग है मुख्यालय जाने का, लेकिन विभागीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की वजह से इस पे चलना एकदम दुभर हो गया है और आने जाने में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं।